अस्सलाम वालेकुम सेवन्थ क्लास, आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करेंगे। आपस में इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एटम के बारे में ही हम इसमें सारा डिस्कस करेंगे और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वी हैव लर्नड इन क्लास सिक्स डैट एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, यानी कि मादे का, दैट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं किया जाता, यानी कि इंडिपेंडेंटली वो चीज़ नहीं पाई जाएगी। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। जितनी भी चीज़ें हैं हमारी यूनिवर्स में वो सारी एटम्स से मिलकर बनी हुई हैं। आवर बॉडी इज़ ऑल्सो कम्पोज ऑफ सेवरल मिलियंस या सेवरल ट्रिलियंस ऑफ एटम्स। हमारी जो बॉडी है वो सेवरल यानी कि कई सारे ट्रिलियंस ऑफ एटम्स से मिलके बनी हुई है या उन पे मुश्तमिल है। अ ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस गेव द आइडिया ऑफ एटम फॉर द फर्स्ट टाइम। एक ग्रीक फिलोसोफर था जिसका नाम था डेमोक्रिटस, इसने आइडिया दिया था एटम का फर्स्ट टाइम। देन इन 19th सेंचुरी जॉन डाल्टन फ्रॉम इंग्लैंड प्रेजेंटेड द फर्स्ट एटॉमिक मॉडल। उसके बाद 19th सेंचुरी में जॉन डाल्टन था जो कि इंग्लैंड से था, उसने प्रेजेंट किया था फर्स्ट एटॉमिक मॉडल को। अब फर्स्ट एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था? अकॉर्डिंग टू हिम ऑल मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम्स। जितनी भी मैटर्स हैं वो एटम्स से मिलकर बनी हुई हैं और एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एटम ना तो क्रिएट किया गया है बल्कि खुद बनाया जाता है और ना ही उसको हम तोड़ सकते हैं। नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम क्या है? इज़ देयर एनी पार्टिकल स्मॉलर देन एटम, कि कोई पार्टिकल ऐसा है जो कि एटम से भी छोटा हो? श्योर देयर इज़, यहाँ है। एटम आर मेड अप ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन। यानी कि एक एटम जो है वो काफ़ी सारी इन तीन चीज़ों से मिलकर बना है, जिसमें इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटोन भी है और न्यूट्रॉन भी आ जाएगा। सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। अब जो सेंट्रल पार्ट होता है किसी भी एटम के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम न्यूक्लियस का नाम दे रहे होते हैं। प्रोटोन एंड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब प्रोटोन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाएंगे? न्यूक्लियस के अंदर पाए जाएंगे। अब प्रोटोन हैज़ पॉजिटिव चार्ज, प्रोटोन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रोटोन पे कौन सा है, न्यूट्रॉन पे कौन सा है, इलेक्ट्रॉन भी, सब आपको चार्ज याद रखने पड़ेंगे। नंबर ऑफ प्रोटोन इन एन एटम इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। यानी कि जितने नंबर ऑफ प्रोटोन होंगे किसी भी एटम के अंदर वो किसके इक्वल होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होंगे जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड। इट हैज़ अ मैस 1837 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मैस इससे ग्रेटर है इलेक्ट्रॉन की बनिस्बत। अब प्रोटोन पे हमने पढ़ा था पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, अ न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज। दिस न्यूट्रल पार्टिकल इज़ आल्सो फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इस पे कोई चार्ज नहीं है लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ये न्यूट्रल है। द मैस ऑफ अ न्यूट्रॉन इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू द मैस ऑफ अ प्रोटोन। अब मैस न्यूट्रॉन का जितना भी है वो किसके इक्वल है? मैस ऑफ अ प्रोटोन के इक्वल है वो। एक्सटेंड योर थिंकिंग, हाउ प्रोटोन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर अलाइक एंड डिफरेंट। उन्होंने कहा प्रोटोन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स आपस में दूसरे साथ डिफरेंट क्यों हैं? यहाँ हमने बात कर ली कि न्यूट्रॉन और प्रोटोन इन पर चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, अपने चार्ज की वजह से और अपनी कंपोजिशन कह लें या आप ये कह लें कि इनकी रिवॉल्व क्या है उसकी वजह से ये एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने कहा है वाई इज़ एटम न्यूट्रल। अब एटम न्यूट्रल क्यों है? ऑल दो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटोन इन एन एटम हैव चार्जेस। इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन अगरचा एटम के अंदर चार्ज रखते हैं बट एटम एज अ होल हैज़ नो चार्ज। लेकिन एटम पूरे पे कोई चार्ज नहीं होता। इन एन एटम नंबर ऑफ प्रोटोन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटोन होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। एज अ रिजल्ट टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्रोटोन बैलेंसेस द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिकॉज ऑफ इट द एटम इज़ न्यूट्रल। इसकी वजह से एटम को हम कह सकते हैं कि वो न्यूट्रल है। अब अटोमिक एंड मैस नंबर क्या है? अटोमिक नंबर को हम जेड से ऑलवेज रिप्रेजेंट करते हैं।
नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे किसी भी एटम के न्यूक्लियस में, उसको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर बोलेंगे। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड के थ्रू। हाइड्रोजन एटम हैज़ वन प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस। हाइड्रोजन एटम के अंदर एक प्रोटॉन होता है इसके न्यूक्लियस में, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर जो है वो एक है। कार्बन एटम के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं और एटॉमिक नंबर जो है उसका 6 है। ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन होते हैं, इसलिए उसका न्यूक्लियस में 8 मौजूद हैं, तो हम क्या कहेंगे कि उसका एटॉमिक नंबर भी 8 होता है। आपको पता होगा ना हाइड्रोजन का एक होता है। और इसी तरह अगर हम लोग किसका देखें, ऑक्सीजन के 8 होते हैं। मतलब ये आप लोगों ने किस बेस पे देखना है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट हैं न्यूक्लियस के अंदर वो एटॉमिक नंबर के थ्रू हम देख रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जेड से। और आगे हम बात करेंगे कि एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है। अब ये जो चीज़ें हैं ये इसके क्या हैं, एटॉमिक नंबर्स हैं। आगे एटॉमिक मास की जब बात करेंगे तब मैं आपको बताऊँगी कि एटॉमिक मासेस क्या हैं। उन्होंने कहा व्हाट विल बी द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का अगर यहाँ पे 8 उसमें पाए गए हैं प्रोटॉन्स, तो उसका एटॉमिक नंबर भी 8 ही होता है। ठीक है, ईच एलिमेंट हैज़ इट्स ओन एटॉमिक नंबर। वी कैन आइडेंटिफाई एन एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक नंबर। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एलिमेंट को उसके एटॉमिक नंबर के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मास नंबर की। अब मास नंबर क्या है, वहाँ हमने कहा था सम ऑफ किसका था, जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट थे, और यहाँ हम बात कर रहे हैं कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं किसी भी न्यूक्लियस के अंदर एटम के, उसको हम मास नंबर बोल रहे हैं। उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जेड के थ्रू, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए के थ्रू। ये आपने याद रखना है कि इसको मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें हम लोग किस चीज़ का देख रहे थे, उसमें हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देख रहे थे, इसमें हम नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों देख रहे हैं। हाइड्रोजन एटम हैज़ ओनली वन प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियर। हाइड्रोजन एटम जो है वो एक ही प्रोटॉन रखना है अपने न्यूक्लियस के अंदर, इसका मास नंबर जो है वो 1 ही है। कार्बन के 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए इसका मास नंबर जो है वो 12 है। वी कैन यूज एटॉमिक नंबर एंड मास टू फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एटम। मास नंबर है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यही वाली बात, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में कंबाइन हुए, प्लस किया इनको, तो जनरल सिम्बलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट इज दस गिवन एज x, ऊपर हमारे पास a, नीचे हमारे पास z, वेयर x डिनोट्स एन एलिमेंट। ये x जो है ये किसी भी एलिमेंट को डिनोट कर रहा है। एलिमेंट में हमारे पास हाइड्रोजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, हमारे पास कोई भी आ जाएगा यहाँ पे। अब a क्या है, ऊपर हमारे पास मास नंबर होते हैं, नीचे हमारे पास मास एटॉमिक मास होगा नीचे वाला। ठीक है, एटॉमिक नंबर ऊपर, एटॉमिक मास नीचे। अगर यहाँ पे एटॉमिक नंबर, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ इन्होंने बात की है किसकी, कार्बन की बात की है, एक्स एक्स की जगह हम लोग कार्बन लिख लेंगे। ठीक है, अब उन्होंने कहा था कार्बन के 6 प्रोटॉन हैं और 6 ही न्यूट्रॉन, उसका मास नंबर कितना है, 12 है। तो मास नंबर तो ये है ना, मास नंबर सॉरी ये है ऊपर वाला ए वाला, तो हम क्या कहेंगे के 12 कहाँ पे आएगा, 12 मास नंबर इसका ये है, और 6 इसके एटॉमिक नंबर है, और मास नंबर में क्या आएगा, 12 आएगा। एटॉमिक मास सॉरी 6 है, एटॉमिक नंबर जो है वो 12 आएंगे, यहाँ ए और जी से रिप्रेजेंट किए भी हुए हैं। अब एग्जांपल में ऑक्सीजन एटम हैज़ एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन एटम कितना है, 8 रखता है और मास नंबर 16 रखता है। व्हाट वुड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस। अब एक्सटेंड योर थिंकिंग, उन्होंने टंगस्टन के बारे में बताया कि एक एलिमेंट है जिसमें 74 प्रोटॉन हैं और 109 न्यूट्रॉन्स हैं। अब टंगस्टन का एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर में हम लोगों ने बात की थी सिर्फ प्रोटॉन की, तो जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा, तो 74 इसके एटॉमिक नंबर है। और हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज टंगस्टन हैव, कितने इलेक्ट्रॉन रखेगा टंगस्टन। तो जितने हमारे पास प्रोटॉन हैं, इलेक्ट्रॉन भी ऑलवेज उतने ही होते हैं। यहाँ 74 प्रोटॉन है तो 74 ही अपने इलेक्ट्रॉन रखेगा, और एटॉमिक नंबर भी इसके 74 ही होंगे। अगर हमने मास नंबर मालूम करना हो तो उसके लिए हम लोग तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना कि ए इज इक्वल टू पी प्लस एन, कि कितने से प्रोटॉन है और किसमें इसमें न्यूट्रॉन है। ये अभी हम लोगों ने ये दोनों चीज़ें नहीं देखनी,
हमने जस्ट ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन होते हैं वही होते हैं, और एटॉमिक नंबर जितने प्रोटॉन्स होंगे हम उसी को राइट कर रहे हैं। ठीक हो गया। आगे अब आपने बात करनी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल। डिस्ट्रीब्यूशन करवानी है इलेक्ट्रॉन्स की अपने अपने शेल्स में। वी नो डैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस ऑफ एटम के गिर्द। पाथ ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस आर कॉल्ड शेल। अब पाथ जो है मूवमेंट का इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस के गिर्द, उसको हम शेल्स बोल रहे हैं। शेल्स की डिफाइन में ये सारी आ जाएगी कि पाथ ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड शेल्स। इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट शेल्स। अब डिफरेंट में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। शेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स जो है शेल्स को ही हम एनर्जी लेवल्स भी बोल रहे हैं। दीज शेल आर लेबल्ड एज KLMNOPQ एक्सेट्रा। इस सब के थ्रू हम लोग किसको शेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। के जो है सबसे पहला शेल है, एल सेकेंड आ जाएगा, एम थर्ड, मतलब इस तरीके से बात हो जाएगी। वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल 2N2। फॉर्मूला ये है, इसके थ्रू हम लोग जो है वो काउंट करेंगे। एन जो है नंबर ऑफ शेल्स आ जाएंगे। अब शेल नंबर और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेल नंबर 1 और के शेल क्या आएगा कि 1 है किसमें, के शेल में, ठीक है। और अब यहाँ 2N2 देखें, हमने एन की जगह पे जस्ट 1 लगाया है, बाकी सारा सेम है। तो 2 आ गए इसके अंदर। अब 2 है एल शेल में। अब एल शेल में 2N की 2, इस एन की जगह आपने 2 लगाया, तो इस को जब आप 2 टाइम करेंगे 2 to the 4, और ये आ गया 4 और ये बाहर थे, तो कितने हो गए, 4 और 2 8 हो गए हमारे पास, ठीक है। ये यहाँ पे 8 आ गया। एम शेल में 3 हैं, यहाँ आप 3 लगाएंगे, 3 to the 9 और 9 to the 18, ये भी आपके पास कन्फर्म हो गए कि ये इतने होते हैं। अब पॉजिटिवली चार्ज ये जो अंदर है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, इसके गिर्द जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। पहले शेल को उन्होंने के का नाम दिया, सेकंड शेल को उन्होंने एल का नाम दिया है। फर्स्ट में 1 रिवॉल्व कर रहे हैं, सेकंड में 2 रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उन्होंने उस हिसाब से इसकी शेप बना के आपको दिखा दी हुई है, ठीक है। अटोमिक स्ट्रक्चर है फर्स्ट 18 एलिमेंट्स का, कि फर्स्ट 18 एलिमेंट्स में अटोमिक स्ट्रक्चर कैसा है। या आपके पास MCQ में भी आ सकता है कि किस में कितने होते हैं, अब बस एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। इस पर आप लोग ध्यान देंगे कि किस में कितने हैं, ठीक है। ये सारा मैंने आपको समझा दिया, इस तरीके से जब आप लोग ये करने बैठेंगे तो आपको ईजीली समझ आ जाएगी इसमें। नेक्स्ट उन्होंने बात की है व्हाई डू एटम्स कंबाइन। एटम्स जो हैं कंबाइन क्यों होते हैं। एटम्स कंबाइन विद अदर एटम्स बट दे स्टॉप रिएक्टिंग विद अदर एटम्स व्हेन द आउटरमोस्ट शेल इज़ कंप्लीट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन। अगर आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हों तो वो स्टॉप कर देते हैं रिएक्ट करना। और दे हैव ओनली 1 शेल विद 2 इलेक्ट्रॉन। फॉर दिस पर्पज़ एन एटम कैन लूज गेज और शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स। अगर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं हो रहे कहीं से भी, तो हम या तो वो चीज़ ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन किसी और से, अगर कमी है, अगर ज़्यादा है तो हम उनको दे देते हैं, मतलब हम लूज़ करके या गेन करके उसी कमी को पूरा कर सकते हैं। हमने 8 पूरे करने होते हैं। 2 हाइड्रोजन एटम कम्बाइन टू फॉर्म अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब 2 हाइड्रोजन एटम्स कम्बाइन होंगे और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाएंगे, किस तरीके के थ्रू, शेयर करके इलेक्ट्रॉन्स को। यहाँ पे देखें, एक हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन है, एक इस हाइड्रोजन के पास 1 होता है ना, तो दोनों ने कंबाइन किए हैं, शेयर किया आपस में, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया हमारे पास। मॉलिक्यूल हमें पता था, पीछे मैंने डिस्कस किया था कि मॉलिक्यूल 2 एटम के मिलने से बनेगा। अब हम बात कर रहे हैं वैलेंसी और आयंस की। वैलेंसी कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू कंबाइन विद द अदर एटम। वैलेंसी कहते हैं किसी भी चीज़, किसी भी एटम की, कि आप ऐसी कैपेसिटी जिसके साथ वो दूसरे के साथ कंबाइन हो सके, उस चीज़ को हम वैलेंसी कह रहे हैं। यानी कि एक एटम ने अगर दूसरे एटम के साथ कंबाइन होना है तो उसकी जो कैपेसिटी है उस चीज़ को हम वैलेंसी बोल रहे हैं। वैलेंसी कैन आल्सो बी डिफाइंड एज फॉलोज, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डैट एन एटम वांट टू लूज और गेन और शेयर इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी।
ये डिफाइन भी लिख सकते हैं, वो डिफाइन भी लिख सकते हैं, दोनों तरीक़ों से ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम एटम लूजेज वन इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी क्या है, वन है। फ्लोरीन एटम गेन करता है वन इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी भी वन है। हाइड्रोजन शेयर करेगा वन इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी भी वन है। कॉपर मैग्नीशियम ऑक्सीजन एक्सेट्रा हैज़ वैलेंसी नंबर टू। वैलेंसी ऑफ एलुमिनियम और नाइट्रोजन इज़ थ्री। अब वैलेंसी एलुमिनियम की और नाइट्रोजन की जो है थ्री है। वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम की चार है, ठीक है। ये वैलेंसी आप लोग याद रखेंगे किसकी कितनी है। उसके बाद है आयन। एन एटम विद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एन आयन। अब किसी भी चीज़ के ऊपर अगर चार्ज आ जाए तो उसमें हम आयन की बात करते हैं, कि कोई भी एटम ने अगर पॉजिटिव चार्ज रखा है तो वो पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव चार्ज रखा है तो वो नेगेटिव आयन है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कैटायन, नेगेटिव आयन है तो वो एन आयन, एन एन नेगेटिव कैटायन की बात हम आगे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, ऑक्साइड आयन, कॉपर, और ये सारे। अब एटम रिलीज इट्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, द नंबर ऑफ प्रोटॉन मोर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट बिकम अ पॉजिटिव आयन और कैटायन। अगर उसने आउटर मोस्ट शेल से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा लिए हैं इलेक्ट्रॉन्स की बनिस्बत, तो उसके पास पॉजिटिव आयन है, जिसको हम कैटायन बोलते हैं पॉजिटिव आयन को। अगर उसने एब्जॉर्ब किए हैं वन और मोर इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में से, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके पास बढ़ गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं, तो वो नेगेटिव आयन बन गया, जिसको हम एन आयन भी बोलते हैं। पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन अट्रैक्ट ईच अदर टू फॉर्म कंपाउंड्स, और पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और क्या बनाते हैं, कंपाउंड बना देते हैं। अब कैटायन, ये सारे हमारे पास हाइड्रोजन सोडियम सिल्वर मैग्नीशियम एल्युमिनियम जो हैं ये सारे हमारे पास कैटायंस ही हैं, ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और एन आयन की बात करें तो इन सारे फ्लोराइड, क्लोराइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, फॉस्फाइड, इन सारे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या है, ये एन आयन है। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सटेंड योर थिंकिंग की। एक्सटेंड योर थिंकिंग में उन्होंने बोला है व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क, अगर ग्लास की जो रॉड है वो रब करवाई जाए सिल्क के साथ, तो रॉड बिकम पॉजिटिव चार्ज, कि रॉड के ऊपर चार्ज जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अब व्हाट टाइप ऑफ पार्टिकल इन दी एटम इन दी रॉड हैज़ बीन रिमूव्ड, किस तरह के हम लोग पार्टिकल्स को एटम में से रिमूव करवा सकते हैं। तो इसके आंसर में तो बात यही है कि अगर हम लोगों ने ग्लास रॉड को रब किया किसी सिल्क क्लॉथ के साथ, तो ग्लास जो है वो क्विकली अपने लॉस कर देता है इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए आफ्टर रबिंग ग्लास रॉड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज उनके ऊपर आ जाएगा और सिल्क जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यही इसका आंसर होगा कि पार्टिकल्स जो हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से हो जाएंगे, कि पॉजिटिव चार्ज जब हम रब करते हैं तो ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज आ जाते हैं और सिल्क जो है वो नेगेटिव चार्ज को ले लेता है, ठीक है। इसके नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, वहाँ से आप इसके आंसर को लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ इज़ सोडियम क्लोराइड फॉर्म्ड, सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है। अब आपको ये चीज़ पता है कि सोडियम एक एटम है, क्लोराइड एक एटम है, दो चीज़ों के कम्बिनेशन से एक मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ देख भी लेते हैं, वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फ्रॉम सोडियम एटम टू क्लोरीन एटम, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है सोडियम एटम से क्लोरीन एटम की तरफ। यहाँ से देखें, सोडियम से क्लोरीन की तरफ एक एटम ट्रांसफ़र हो रहा है। सोडियम एटम हैज़ वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, सोडियम के अंदर वन जो है इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में होता है, ज़ाहिर सी बात है वो देगा भी वन ही। क्लोरीन एटम में सेवन इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। और यहाँ पे अब बात करें तो सेकंड में क्या है, आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, अब जो सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो सोडियम एटम बिकम सोडियम आयन, उसके पास एक ही था उसने वो भी लूज़ कर दिया तो उसके वो क्या बन गया, सोडियम आयन बन गया। अब क्लोरीन एटम ने गेन किया एक इलेक्ट्रॉन टू बिकम क्लोराइड आयन, उसने एक गेन कर लिया और वो क्लोराइड आयन बन गया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो रेड वाला नज़र आ रहा है कि रेड वाला यहाँ से आया वो है, पहले इसके पास कितने थे, सेवन इसके पास पहले थे, एक इसने और ले लिया और यहाँ पे आठ की वैलेंसी पूरी हो गई क्लोराइड आयन की। नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट ईच अदर टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड, अब नेगेटिव और पॉजिटिव जो है आपस में किसी को अट्रैक्ट करते हैं
और ये क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आपको पता है टेबल साल्ट को बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट अब बात आ जाएगी आइसोटोप्स की और उसके यूजेस की। एन एटम ऑफ एन एलिमेंट ऑलवेज हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। एक एटम में किसी भी एलिमेंट के हमेशा सेम नंबर प्रोटॉन्स के होते हैं। हाउएवर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मे बी डिफरेंट इन सम ऑफ दीज एटम्स। ताहम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं सम ऑफ दीज एटम्स। इट मीन्स सम एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट मे हैव डिफरेंट मास नंबर देन द अदर। अब इसका मतलब क्या है कि सम एटम्स सेम एलिमेंट के वो डिफरेंट मास नंबर रखते हैं दूसरों के बनिस्बत। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। अब एटम्स जो है वो द सेम एलिमेंट का सेम एटॉमिक नंबर है लेकिन डिफरेंट मास नंबर है, इसको हम आइसोटोप कहते हैं। किसी भी एटम का सेम अगर एटॉमिक नंबर हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो तो उसको हम एटॉमिक क्या कह रहे हैं, उसको हम आइसोटोप बोल रहे हैं। ठीक है, अब आइसोटोप्स हैव हाइड्रोजन हैज थ्री आइसोटोप्स। अब हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स होते हैं। एन एटम ऑफ हाइड्रोजन मे हैव जीरो वन और टू न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। एटम जो है हाइड्रोजन का या तो वो ज़ीरो होगा या फिर वो वन या टू न्यूट्रॉन्स रखेगा अपने न्यूक्लियस के अंदर। प्रोटियम ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम ये थ्री आइसोटोप्स हैं किसके, हाइड्रोजन के। ये आपको नज़र आ भी रहे हैं, एक में वन है एक में टू है, इसमें वन और टू, इसमें वन और थ्री और इसमें वन और वन। वन और वन को हम प्रोटियम, सेकेंड वाले को ड्यूट्रियम, थ्री वाले को ट्रिटियम। कार्बन हैज़ थ्री आइसोटोप्स। कार्बन के सिक्स और ट्वेल्व वाले, सिक्स और थर्टीन वाले और सिक्स और फोर्टीन वाले। मतलब ऊपर देखें आप लोग, यहाँ पे इन्होंने ट्वेल्व थर्टीन और फोर्टीन वाला चेंज किया और नीचे वाले ये चीज़ वन 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 यहाँ पे भी सेम थी, यहाँ पे भी वही सेम की सेम रहेगी। आइसोटोप्स आर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर। अभी इसकी एप्लीकेशंस में क्या है कि ग्रेट इम्पोर्टेंस रखते हैं किसमें, मेडिसिन की फील्ड में और एग्रीकल्चर की फील्ड में। कार्बन 14 को हम यूज़ करते हैं कैलकुलेट करने के लिए एज ऑफ प्लांट्स। किसी भी प्लांट की एज को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कार्बन 14 को यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन 15 को यूज़ करते हैं स्टडी करने के लिए अफेक्ट ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स इन प्लांट्स। सोडियम 24 यूज़ होगा स्टडी करने के लिए सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की। फास्फोरस 32 यूज़ होगा ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर एंड बोन डिजीजेस। क्रोमियम में हम यूज़ कर रहे हैं यूज टू स्टडी रेड ब्लड सेल्स इन पेशेंट्स विद ब्लड डेफिशिएंसी, जिसमें ब्लड की डेफिशिएंसी होगी। आयरन 59 इज़ यूज टू स्टडी एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इन ह्यूमन बॉडी। कोबाल्ट 60 इज़ यूज इन कैंसर ट्रीटमेंट। कोबाल्ट को हम यूज़ करेंगे कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। आयोडीन 131 इज़ यूज टू ट्रीट अ डिजीज कॉल्ड गुइटर। गुइटर एक बीमारी होती है, उस डिजीज़ के लिए हम लोग आयोडीन को यूज़ करेंगे 131। ठीक है, नेक्स्ट अब है मॉलिक्यूल एंड केमिकल फार्मूला। मॉलिक्यूल का मैंने पहले बताया कि दो चीज़ें कंबाइन होती हैं, मतलब दो एटम कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम आपको पता था इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है और शो करता है ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट और कंपाउंड। इट मे बी मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, ये मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल हो सकता है जैसे कि हीलियम है, नियोन एक्सेट्रा। टू और मोर एटम्स कैन आल्सो बी प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। दो या दो से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर। फॉर एग्जांपल वाटर, हाइड्रोजन गैस, ग्लूकोज, ये सब चीज़ें वगैरह। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2, क्लोरीन मॉलिक्यूल्स Cl2 और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को हम N2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एटम ऑफ द सेम काइंड कंबाइन टू मेक अ मॉलिक्यूल डेड एलिमेंट। ऑक्सीजन में 2O यानी कि दो एटम O एटम आपस में कंबाइन हुए और O2 बना। क्लोरीन में Cl दो दफ़ा कंबाइन हुए तो Cl2। नाइट्रोजन में 2N कंबाइन हुए तो N2 बन गया नाइट्रोजन। अब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन अलग है, ऑक्सीजन 2 अलग है। मीथेन में कार्बन अलग है, HG4 अलग है और वाटर में भी HG2 सेम है, O चेंज है। तो एटम ऑफ डिफरेंट काइंड कंबाइन टू मेक अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। ये डिफरेंट काइंड वाले थे और वो सेम काइंड वाले थे। अब हम बात करेंगे केमिकल फार्मूला की। डिस्क्राइबिंग अ मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड वैलेंसी इज कॉल्ड द केमिकल फार्मूला। आपने अपने मॉलिक्यूल को डिफाइन करना है सिंबल की फॉर्म में
और वैलेंसी की फॉर्म में, तो उसको हम केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं। केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल शो, केमिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूल में क्या शो करवाता है कि काइंड्स ऑफ एलिमेंट इन द मॉलिक्यूल, किस तरह की एलिमेंट है, काइंड क्या है उसकी किसी भी मॉलिक्यूल में, काइंड ऑफ एलिमेंट इन द मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स किसी भी एलिमेंट के अंदर कितने हैं या क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कर रहा है मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस को, इट कंटेन टू हाइड्रोजन एटम, ये टू हाइड्रोजन एटम्स पे मुश्तमिल है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द फार्मूला ऑफ CO2 इज़ द फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच शो डैट टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कम्बाइन विद वन कार्बन एटम। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ये H2 है और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में CO2, ये टू O2 उन्होंने सेम दिखाए हैं, C1 उन्होंने चेंज करके दिखा दिया आप लोगों को आपकी आसानी के लिए। अब राइटिंग का केमिकल फार्मूला कि हमने राइट कैसे करना है केमिकल फार्मूले को। केमिकल फार्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज डिनोटेड बाय द सिंबल ऑफ दैट एलिमेंट विद अ सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट टेल्स द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। सबस्क्रिप्ट हमें क्या बताता है कि कितने एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं किसी भी मॉलिक्यूल में। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल 2 नाइट्रोजन एटम्स इसमें प्रेजेंट हैं। ओजोन मॉलिक्यूल में 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं। क्लोरीन मॉलिक्यूल 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन। केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज डिनोटेड बाय द सिंबल ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल, के जो सिंबल होता है उसके थ्रू हम लोग केमिकल फॉर्मूला राइट करते हैं। स्क्रिप्ट इज गिवन व्हेन 2 और मोर एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर प्रेजेंट। व्हेन नो स्क्रिप्ट इज गिवन, अगर कोई भी सबस्क्रिप्ट नहीं दी गई तो नंबर ऑफ एटम्स इज अज्यूम्ड एज 1। तो नंबर ऑफ एटम जहाँ पे मतलब कुछ भी ना हो वहाँ हम एक को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ एक है। वाटर मॉलिक्यूल है H2O, 1 ऑक्सीजन एटम कम्बाइन किसके साथ हो रहा है, 2 हाइड्रोजन एटम के साथ। और यहाँ पे मीथेन है CH4, यानी कि मीथेन मॉलिक्यूल में 1 कार्बन एटम, ये कार्बन के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, कम्बाइन हो रहा है 4 हाइड्रोजन एटम के साथ। हाउ टू प्रोनाउंस अ फार्मूला, हम फार्मूले को प्रोनाउंस कैसे करते हैं, प्रोनाउंसिएशन कैसे कर सकते हैं उसकी। यू कैन प्रोनाउंस अ केमिकल फार्मूला एज फॉलोज। वाटर इज प्रोनाउंस्ड एज H2O, ये H है, इसके साथ नीचे 2 है और ये O है, H2O, ठीक है। अब C12H22O11, ये शुगर का फार्मूला है, ठीक है, इस प्रोनाउंस्ड एज C12H22O11, ऐसे लिखा हुआ ना C12, इंग्लिश में आप राइट करेंगे और इंग्लिश में लिख रहे हैं H22O11, ये शुगर का और वो वाटर का। इसी तरह आप लोगों ने मीथेन का बोलना है उसका आप बोलेंगे, जिस जिसके भी फॉर्मूले हैं उनको इस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मेकिंग केमिकल फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। अब केमिकल फार्मूला किसी भी आयनिक कंपाउंड्स का हम कैसे बनाएंगे। व्हेन अ पॉजिटिव आयन, या इसको हम कैटायन भी बोलते हैं, अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव आयन की तरफ, यानी कि एन आयन की तरफ, तो एन आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म, तो आयनिक कंपाउंड बनेगा, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव कंबाइन हो रहे हैं और एक आयनिक कंपाउंड बन रहा है। सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड, और ये दोनों एग्जाम्पल किसकी हैं, आयनिक कंपाउंड की, यानी कि सोडियम पॉजिटिव था क्लोराइड नेगेटिव था, इस तरह मैग्नीशियम पॉजिटिव क्लोराइड नेगेटिव दोनों कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, आपके पास आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं। टू राइट द फॉर्मूला ऑफ एन आयनिक कंपाउंड फॉलो 3 स्टेप्स। अब हम लोगों ने अगर आयनिक फॉर्मूला राइट करना है तो हम 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। स्टेप 1 क्या है, राइट द सिंबल ऑफ पॉजिटिव आयन ऑन द लेफ्ट एंड सिंबल ऑफ नेगेटिव आयन ऑन द राइट। यू मे यूज टेबल 6.1, टेबल 6.1 ये दिया हुआ है हमारे पास। कैटायन को हम फर्स्ट पे लिखते हैं, एनायन को हम सेकंड पे लिखते हैं, ये है टेबल आपके पास, ठीक है। जैसे सोडियम को हम पहले लिखते हैं, क्लोराइड को हम बाद में लिखते हैं। सोडियम पॉजिटिव चार्ज है, क्लोराइड नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों को कंबाइन लिखेंगे तो सोडियम क्लोराइड, लेकिन पॉजिटिव चार्ज पहले नेगेटिव चार्ज बाद में, यही चीज़ ये यहाँ बता रहा है। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 है पुट द वैलेंसी नंबर ऑफ ईच आयन विद इट्स चार्ज ऑन इट्स टॉप राइट साइड। टॉप राइट साइड पे हम उसकी वैलेंसी लिखेंगे, वैलेंसी नंबर कितना है किसी भी एटम का, किसी भी आयन का। स्टेप 3 है इंटरचेंज द वैलेंसी नंबर ऑफ बोथ आयन्स
एंड राइट देम ऑन लोअर राइट साइड ऑफ ईच आयन. ओमिट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस विच कैंसिल ईच अदर. रिमेंबर दैट नंबर वन इज ऑल्सो ओमिटेड. दिस मेथड ऑफ राइटिंग केमिकल फॉर्मूला इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस मेथड. अब क्रिस क्रॉस मेथड मैं नीचे दिखाती हूँ आपको. राइट द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड ऑफ सिल्वर एंड सल्फर आयंस. सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मूला होता है ए जी और एस से हम मैंशन करते हैं तो ए जी टू एस. टू हम यहाँ पहले लेकर आ रहे हैं और एस पे वन था. ए जी के साथ हम लोगों ने ये वन यहाँ और ये टू इधर, तो ये सिल्वर सल्फाइड. राइट द फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड कंपोज ऑफ एलुमिनियम एंड ऑक्सीजन आयंस. एलुमिनियम, अब देखें वही हिसाब हुआ कि ये वहाँ चले गए उसके चार्ज और उसके चार्जेस यहाँ पे आ गए. एलुमिनियम की थ्री वैलेंसी ये यहाँ पर चली गई, इसकी टू है तो ये यहाँ पे आ गए. फिर है राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉर द कंपाउंड कंपोज ऑफ मैग्नीशियम एंड क्लोराइड आयंस. मैग्नीशियम टू पॉजिटिव, क्लोराइड वन, ये उस साइड पे टू पॉजिटिव वहाँ पे उसके पास नीचे की तरफ आ गई. मैथ में हम एक रूल लगाते हैं लॉगरिथम वाला, उसमें भी हम कुछ इस तरह की ही चेंजिंग कर रहे होते हैं. मेरे जो चीज़ बड़े में होती है उसको हम छोटे में ले आते हैं, छोटे वाली चीज़ बड़े में चली जाती है. इस तरीके से ही हम चेंजिंग कर रहे हैं वहाँ पे. यहाँ पे आप उस चीज़ को भी फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी हद तक ये चीज़ सेम ही रहेगी. ठीक है, इसके बाद है हमारे पास लास्ट टॉपिक लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन. कंपोजिशन रेफर टू द टाइप एंड नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस. कंपोजिशन रेफर करेगी कि किस टाइप का है और नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट हैं किसी भी सब्सटेंस में. इन द लेट 1700 फ्रेंच साइंटिस्ट जिसका नाम था जोसेफ प्रोस्ट ने स्टडी किया था केमिकल कंपाउंड को और प्रेजेंट किया था लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन को. उसका लॉ हम देखते हैं क्या था. कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज ऑलवेज द सेम रिगार्डलेस ऑफ हाउ द कंपाउंड वॉज मेड और ऑब्टेन. के किसी भी कंपोजिशन कंपाउंड की वो हमेशा सेम रहेगी. किस चीज़ पे मुश्तमिल हो सकता है, किस चीज़ की बिना पे, कि कितने कंपाउंड जो हैं वो बने हैं, कंपाउंड वॉज मेड बने थे और ऑब्टेन और हासिल किए गए थे. वाटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम मैनी सोर्सेज. वाटर को हम काफ़ी सारे सोर्सेज से हासिल कर सकते हैं. बहुत सारे ज़राए हैं पानी हासिल करने के, जैसे रिवर है, वेल है, सी एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों से. बट इट्स कंपोजिशन इज ऑलवेज द सेम. लेकिन उसकी कंपोजिशन हर जगह पे हमेशा सेम ही रहेगी. देर आर टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. अब यहाँ पे टू एटम्स हाइड्रोजन के और वन एटम ऑक्सीजन का प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल में. किसके? वाटर के मॉलिक्यूल में. फिर है कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस इन अ नंबर ऑफ वेव्स. कार्बन डाइऑक्साइड को हम काफ़ी सारे नंबर ऑफ वेज से हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन वन मॉलिक्यूल ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ वन कार्बन एटम एंड टू ऑक्सीजन. लेकिन हमेशा उनका फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, कि कार्बन में हमेशा एक ही रहेंगे, ऑक्सीजन के हमेशा टू, कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बनाएंगे. ठीक है, अब नीचे है साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी. एन आइसोटोप इज़ वन और टू और मोर एटम्स हैविंग द सेम अटोमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. आइसोटोप्स की डिफाइन यही थी, हमारे पीछे हमने पढ़ ली थी. सम आइसोटोप्स रिलीज रेडिएशन ऑल द टाइम्स. कुछ आइसोटोप्स ऐसे हैं जो कि हमेशा रेडिएशन रिलीज करते रहते हैं. दीज आइसोटोप्स आर कॉल्ड रेडियो आइसोटोप्स. और ये आइसोटोप्स जो हैं वो रेडियो आइसोटोप्स कहलाते हैं. रेडियो आइसोटोप्स कैन बी यूज फॉर ह्यूमन वेलफेयर. अब रेडियो आइसोटोप्स को हम यूज़ करते हैं ह्यूमन की वेलफेयर के लिए, मतलब इंसानी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, भलाई के लिए. उसकी फूड इरेडिएशन इरेडिएशन इज़ अ मेथड टू मेक फूड सेफर फॉर अ लॉन्ग टाइम. फूड इरेडिएशन का मेथड क्या है, कि आपने कोई भी अपनी खुराक को सेव करना है लॉन्ग टाइम के लिए, तो उसको हम कह रहे हैं रेडिएशन फ्रॉम आर रेडियो आइसोटोप्स किल करेगी माइक्रो ऑर्गनिजम्स को, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह. ये माइक्रो ऑर्गनिजम्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारी फूड में. अब फाइंड सम मोर यूजेज ऑफ रेडियो आइसोटोप्स. एक तो यही यूज़ होगा कि हमारी जो खुराक है उसको हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, अगर हमने प्रिजर्व करना है तो ये. और उन्होंने कहा है सम मोर यूजेज ऑफ तलाश करें कि रेडियो आइसोटोप्स के और कुछ यूजेस क्या हो सकते हैं. ठीक है, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे एंड होता है. काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने स्टडी किए. चैप्टर हमारा था स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. अब इसके MCQs भी हैं, इन सर्कल क्वेश्चंस भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, ये सारे जो हैं इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे. और यहाँ पे मैंने आपको दरमियान में बता भी दिया है कि शॉर्ट क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं, MCQs में क्या क्या आ सकता है. इसकी आप रीडिंग भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे और उसके बाद नोट्स से आप लोगों ने इसकी
एक्सरसाइज भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अगला चैप्टर को स्टडी करेंगे, तब तक के लिए आप लोग पहले इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।